हो गए और फिर वहां पे हम बैठे तो कुछ रात का ऐसा हो गया है। मैंने देखा खेमे में बदबू आ रही थी। खेमे बदबू वाले नहीं होते ना अरफात का ना मीना का, लेकिन जब मैं गया तो मुझे महक आ रही थी। मैंने किसी से अर्ज नहीं की कि यार क्या बात है शाहिद भाई, ये कैसी महक है, खैरत तो है। तो दिन गुजर गया, फिर मैंने दिन में देखा कि एक बेटा अपने फाली जदा बाप को पैंपर कर रहा था। क्या कर रहा था? पैंपर कर रहा था। वो भी हज पे आया था, उसका बाप भी हज पे आया था और घर की कोई खातून भी थी। यकीन करो दिल रो रहा था कि यार हमारा हज कबूल हो ना हो, लेकिन इसका हज कबूल हो गया। ये तो दुआओं की फैक्ट्री साथ लेकर आया है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा वो अपने वालिद को धुला रहा है, पैंपर चेंज कर रहा है और उसके हाथ में गिलाजत भी लग रही है, वो टिश्यू से साफ कर रहा है। कहा मौलाना साहब ये अपने बाप को लेकर आया और अपने बाप को हज भी करवा रहा है, इसकी खिदमत भी कर रहा है और व्हील चेयर भी चला रहा है, इसको उठा भी रहा है, उसे बिठा भी रहा है। बाप इतना माजूर था, वो खाना खुद से नहीं खा सकता था। बेटा पहले अपने बाप को खिलाता था, फिर बाप में खाता था। और उसका बाप पता है क्या कहता था कि हज इसका कबूल हो गया, मेरे बेटे का हज कबूल हो गया। तो याद रखना, अगर आपके साथ बूढ़े हैं ना, कभी कतराए नहीं। किसी और की भी बूढ़ी माँ है तो वो आपकी है, किसी और का बूढ़ा बाप है तो वो आपका है। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आगे आप सुनेंगे और समझेंगे और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके। ये कंकरी ऐसे नहीं मारनी, कैसे मारनी है हम आपको वहां बताएंगे। किस तरफ चेहरा होगा हम आपको बताएंगे, दाएं क्या होगा, बाएं क्या होगा हम आपको बताएंगे। और जमरा तो कंकरी मारते वक्त क्या पढ़ना है, सही करते वक्त क्या पढ़ना है, शबे अरफा क्या पढ़ना है, अरफात के दिन क्या पढ़ना है, मिना में क्या पढ़ना है, मताफ में क्या पढ़ना है, गिलाफ काबा, मुल्तजिम, मुस्तजा, रुकन यमानी, रुकन इराकी, ये जो मुकद्दस मकामात है क्या क्या पढ़ना है जमजम पीते वक्त, मकाम इब्राहिम के वक्त, इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको एक्नोलेज कर दिया जाएगा। दूर और नजदीक से आप आने वाले आप तमाम को अल्लाह पाक यहाँ की मैं जो है वो हज की बरकतें नसीब फरमाएं, उम्रे की बरकतें नसीब फरमाएं। अब बस आप तैयारी करें, अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। दौराने गुफ्तगू मुझसे कोई खता हो गई हो तो मैं कलमा पढ़कर अपने ईमान का गवाह आपको बनाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।